दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक। महाराष्ट्र टीवी 24 के खास मुलाकात कार्यक्रम में मैं प्राची माथुर वर्मा आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज चर्चा का विषय है हेयर लॉस या बालों का झड़ना, जो कि मुझे लगता नहीं कि हम में से कोई भी इस चीज़ से बचा होगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अतुल तेलरांदे, जो MD आयुर्वेदिक हैं। आज डॉक्टर साहब हमें इस विषय में काफ़ी चीज़ें बताएंगे। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रही थी आपसे कि ये हेयर लॉस या हेयर फॉल आखिर चीज़ क्या है, जिसे हम बहुत ही नॉर्मल सा समझते हैं कि भाई बाल तो काटने में झड़ते ही हैं। जी, बाल जैसे कि हमें पता है अपने बाकी और अवयवों की तरह जी, या और टिश्यूज की तरह एक टिश्यू है बॉडी का जी, हालांकि वो एक डेड टिश्यू है जी, जो शरीर के ऊपर स्किन के ऊपर उगता है जी, और उसके जो रूट्स होते हैं जी वो स्किन के अंदर होते हैं, जिसे हम हेयर रूट कहते हैं जी। ओके, अब नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे बालों, अगर हम बालों की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए हम हेयर्स ऑफ द स्काल्प यानी सर के बालों की बात जी, करते हैं जी। नॉर्मली जब कॉम्बिंग करते हैं या रूटीन कॉज में भी बाल थोड़े बहुत झड़ते ही हैं जी, लेकिन वापस रिग्रो हो जाते हैं जी। तो उस कोर्स में क्या हो जाता है कि हेयर की जो डेंसिटी और कंसिस्टेंसी है स्काल्प के ऊपर वो बनी रहती है जी जी। बट अगर आपके हेयर एक प्रमाण से ज्यादा, जैसे 50 से 52 जी जी, रोज से उससे अगर ज्यादा झड़े और वापस रिग्रो ना हो, डेंसिटी और थिकनेस और कंसिस्टेंसी ऑफ हेयर जी अगर कम होने लग जाए तो इसे हम हेयर लॉस कहेंगे। इसे हम पैथोलॉजिकल है, सीरियसली इसको देखा जा सकता है कॉस्मेटिक पर्पस के हिसाब से जी जी जी, वो हेयर लॉस कहलाता है। ओके सर, इस हेयर लॉस को एक ही तरह का होता है कि मतलब बाल झड़े तो इसको हेयर लॉस बोलेंगे, या इसके कुछ प्रकार भी होते हैं? देखो, हेयर लॉस यानी बाल झड़ना, जिसको आयुर्वेद में खालित्य कहा गया है, और दूसरा हम उसका कॉस्मेटिक प्रॉब्लम देखे तो बाल पकना, जिसे हम पालित्य कहते हैं, यानी सफेद होना, ग्रेइंग और व्हाइटनिंग हो गया, ये दोनों चीजें आ गई। बाल कम हो जाना या बाल सफेद होना, दोनों ही बालों से निगड़ित समस्या है। ठीक है, अब प्रकारों के बारे में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे इसके टाइप्स दिखेंगे आपको। कई बार बाल वीक हो जाते हैं, थीन हो जाते हैं, दो मुहे हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, डेंसिटी कम हो जाती है जी, जी। तो मेल्स में जनरली जैसे एंड्रोजेनस हेयर लॉस, इसे एंड्रोजेनस हेयर लॉस कहते हैं। सो मेल पैटर्न बालनेस होता है, सामने से एक अलग प्रकार से सामने से उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। फीमेल्स में कैसे रहता है, सेंटर में झड़ना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा, उसे सेंटर में एकदम क्रिसमस ट्री पैटर्न के एक हेयर लॉस उनका दिखता है, उसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। सर ये तो हमें पता ही नहीं था, मतलब ये तो जी जी बताइए सर। और इसके साथ ये होता है कि ये दो पैटर्न हो गए, इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जो अपनी इम्यूनिटी अपने ही बालों के रूट्स को खराब करती है, तब एक राउंड एलोपेशिया एरिएटा जिसको कहा जाता है जी, वो एक प्रकार से इंद्रलुप्त आयुर्वेद में कहा जाता है। अच्छा, जैसे पैचेस पड़ जाते हैं, जैसे अपना बियर्ड हुआ या फिर स्काल्प के हेयर हुए, वहाँ पे पैच पड़ जाता है। अच्छा, तो वो एक एलोपेशिया एरिएटा, उसे कहा जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इस टाइप के हेयर लॉस आपको देखने में आते हैं। तो मतलब ये हेयर लॉस के कारण हुए सर? नहीं नहीं, ये प्रकार हो गए, टाइप्स हो गए जी जी। अब कारणों की अगर हम बात करते हैं, किन कारणों से हेयर लॉस होता है, तो उसमें जेनेटिक कॉज सबसे इम्पोर्टेंट है, हेरिडिटरी। हेरिडिटरी कॉज में सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोनल इम्बैलेंस माना जाता है डीहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये DHT नाम का एक हार्मोन है जो मेल और फीमेल दोनों में होता है। जनरली स्किन में, स्किन रूट्स में, अपना हेयर रूट्स में ये पाया जाता है जी। ये हार्मोन क्या करता है, अगर इस हार्मोन की एक्चुअली हेयर ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट हार्मोन है वो जी, लेकिन स्काल्प के इसमें, स्काल्प के हेयर केस में अगर इस हार्मोन का प्रमाण लिमिट से ज्यादा हो जाए तो हेयर रूट्स को वीक कर देता है और हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। इसका कॉज बहुत बार हेरिडिटरी होता है, जैसे अगर आपके अर्ली जनरेशन में पापा को या फिर उनके पापा को हेयर लॉस हुआ था या हुआ है,
तो वो डीएचटी पे इम्पैक्ट आता है, जेनेटिक कॉज, जिसके कारण से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। ये एक कॉज हो गया, उसके अलावा और कॉजेज भी है। जैसे कोई आदमी स्ट्रेस में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, या फिर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, डाइट प्रॉपर नहीं मिल रहा है, जागरण वगैरह हो रहा है, ऐसे कंडीशन में भी हेयर लॉस देखा जाता है। लेकिन बाल अगर रिग्रो हो जाते हैं तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन रिग्रो नहीं होते तो मालूम पड़ जाता है। इसके अलावा स्काल्प का इन्फेक्शन हुआ, या सोरियासिस जैसा डिजीज हुआ, या फिर अगर डाइट उसका स्पाइसी है, वाटर जिसमें जिस डाइट में वाटर कम है, ऑयली है, स्पाइसी है, अच्छा, वाटरमेलन जैसे फ्रूट्स हो गया, या फिर जिसमें जैसे छाछ हो गया, ये वाटर ज्यादा होने वाले डाइट से, उसके उल्टा अगर है, जैसे जिससे कॉज ऑफ हार्ट अटैक भी जो है, वो भी हेयर लॉस में, वो हार्मोन डीएचटी बढ़ाने में और हेयर रूट्स को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो डाइट भी इंपॉर्टेंट चीज है, जंक फूड, स्पाइसी फूड, ठीक अच्छा। है, ये सारी चीजें भी, पोल्यूशन भी एक चीज है जी, जी, जिसके कारण जैसे कोल माइंस में अगर कोई काम कर रहा है, बहुत सारा डस्ट उसके पड़ रहा है, अच्छा, तो भी हेयर का रूट है वो डैमेज हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो ऐसे न्यूमरस कॉजेस आप देख सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस हैं, अगर कोई केमिकल मेडिकेशन यूज कर रहा है, हेयर डाइज जो हम यूज करते हैं जी, 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 वो कई बार लोगों को रिएक्शन हो जाता है, कई बार फॉर द फर्स्ट टाइम अगर किसी ने हेयर डाई लगाया तो हेयर लॉस शुरू हो जाता है, या फिर उसको रिएक्शन आ जाता है। केमिकल शैम्पूज हो गए, सोप्स हो गए, अगर ज़्यादा वो उसमें कोरोसिव डिटर्जेंट्स है जी, तो दैट में कॉज, दैट ऑल्सो में कॉज है हेयर लॉस। तो सर मतलब जैसे आपने एक जो कोल माइंस बोला, आपका मतलब एक ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन कमी और जो डस्ट उड़ती है उसमें जो केमिकल्स पड़ते हैं वो सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाते हैं हेयर के ऊपर, एंड इवेंचुअली स्किन को, रूट्स को खराब कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉज। सर इम्यूनिटी की जो आजकल इस समय बहुत चर्चा चल रही है इम्यूनिटी वाली, तो मैं इम्यूनिटी को इससे हम कहीं रिलेट कर सकते हैं, मतलब देखिए इम्यूनिटी आयुर्वेद के हिसाब से धातु बल कहते हैं। धातु यानी आपकी बॉडी जिससे बनी है, वो सारे एलिमेंट्स, हेयर भी बोन से, बोन का एलिमेंट माना जाता है आयुर्वेद के हिसाब से। तो अगर आपके बोन स्ट्रांग है, यानी अगर आपका इंटरनल धातु स्ट्रांग है, तो हेयर भी स्ट्रांग ही बनेंगे और हेयर जल्दी लूज नहीं होगी, ऐसा क्लियर कट आयुर्वेद में मेंशन किया हुआ है। तो इम्यूनिटी यानी अगर आपकी बॉडी की कंसिस्टेंसी अच्छी है, इम्यूनिटी अच्छी है मतलब न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छा है इन ऑल कंडीशंस, तब आपके हेयर लॉस होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी जिसकी अच्छी है उसका हेयर लॉस कम होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, धातु बल के कॉन्टेक्स्ट में। बाकी अगर इम्यूनिटी उसकी अच्छी है और उसका धातु बल अच्छा नहीं है तो हेयर लॉस हो सकता है। Okay. तो सर जैसे कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि इंसान मतलब उनको अब मान लीजिए हेयर लॉस शुरू हो गया है मान लीजिए, और या माइंड्स में या जिस भी कंडीशन में है आदमी, अब वर्क तो कर ही रहे हैं, तो इस चीज को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मेडिसिन आर देयर, आयुर्वेदिक मेडिसिन, डिटॉक्सिफाइंग मेडिसिन बहुत सारी होती है। अगर वो ऐसे पोल्यूटेड एटमोसफेयर में काम करता है जी, तो उसको त्रिफला पाउडर आती है, त्रिफला पाउडर, या फिर आंवला आती है, आंवला पाउडर, अच्छा। इन सब चीज़ों को पेस्ट करके बालों को, या फिर उस स्किन को जहाँ पे उसका कांटेक्ट आ रहा है पोल्यूटेंट से जी, जी। उसको साफ कर लेना चाहिए, डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। वैसे कुछ मेडिकेशंस को ले सकता है, भृंगराज हो गया, भृंगराज यानी माका, आंवला हो गया, अच्छा, उसके अलावा अच्छा। त्रिफला हो गया, ये सारी डिटॉक्सिफाइंग मेडिसिन है जो ओरली वो ले सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसे आंवला जूस आता है, आंवला रस आता है, वो बहुत बेस्ट मानी जाती है, जटामानसी, भृंगराज, ठीक है, रेडीमेड प्रिपरेशन आते हैं ऑयल के, शैम्पू आते हैं, डैनो हेयर ऑयल, हेयर ऑयल और डैनो शैम्पू हो गया, बाली हेयर ऑयल, बाली शैम्पू हो गया जी, दीज आर आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक शैम्पूज जो कि डिटॉक्सिफाई करते हैं स्किन की, स्काल्प को, स्काल्प की स्किन को और हेयर को भी लूज होने से बचाते हैं। तो ये उसमें से एक पार्ट है, प्रिवेंटिव तौर पर भी और क्यूरेटिव तौर पर भी आप यूज कर सकते हैं। तो सर इस तरह से मतलब जो आपने ये चीज़ें बताई हैं इसमें इंटेक भी है, खाने वाली चीज़ें भी हैं और एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी, एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी है। तो मतलब इसमें कोई रेडीमेड शैम्पू जैसा है, जैसे नॉर्मली क्या होता है जैसे डॉक्टर ने बताया उस समय तक तो सब लोग करते हैं कि भाई ये खाना है वो खाना है, और लेकिन थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट हुआ कि भाई एक महीने का कर लो या जो भी होता होगा, उसके बाद फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। तो सर ऐसा कोई शैम्पू होता है कि कम से कम कुछ प्रिवेंटिव जी, अगर शैम्पू यूज करने में, मैंने अभी नाम बताया, बाली का आता है जी, रिवॉन आता है,
हेल्थ केयर अपना हेयर सॉल्यूशन शैम्पू, उसके अलावा डैनो हेयर शैम्पू आते हैं. सो देयर आर नंबर ऑफ शैम्पूज, पतंजलि के भी शैम्पूज आते हैं. सो यू कैन यूज न्यूमरस टाइप्स ऑफ शैम्पूज टू अवॉइड द हेयर लॉस, वॉश करने के लिए बालों को लगाने के लिए ऑयल भी है. अच्छा, तो वो मेडिकेटेड ऑयल ही भी आप यूज सकते हैं या सादा नारियल ऑयल भी आप यूज सकते हैं. इसके अलावा जैसे कि आप पूछ रहे कि उस हिसाब से ये शैम्पूज और ये सारी चीज़ें तो है ही है, लेकिन आपको बाकी की चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन विल नॉट वर्क. ओके ओके ओके. तो सर मतलब सर जैसे अगर कोई आपके पास आए कि हेयर लॉस या ऐसी प्रॉब्लम लेकर, तो उसमें आप उनको बालों की कुछ मसाज वगैरह या जैसे आप हेयर मसाज या हेड मसाज आप कर सकते हैं इन ऑयल्स से. अच्छा, हेयर मसाज के लिए हम नहीं बोल रहा, आपका बाल वैसे नाजुक हो चुके होते हैं. अच्छा, अच्छा. उनके रूट्स लूज हो चुके थे जी. तो उन उसके लिए आपको हेड मसाज जो भी करनी है हल्के हाथ से करनी है, हल्के हाथ से ऑयल ही लगाना है. अच्छा, रूट्स को मजबूत बनाइए. अगर उसमें मसाज करने जाओगे तो बाल झड़ जाएंगे. अच्छा, तो इट इज नॉट इंडिकेटेड टू मच जब तक रूट्स आपके स्ट्रांग नहीं है. रूट स्ट्रांग है, नॉर्मल कोर्स में आप हेड मसाज कर सकते हैं, जो ब्यूटी पार्लर्स में भी करते हैं, पंचकर्म में भी करते हैं. जी जी. सो दैट कैन बी डन. सर ये जो आपने मसाज या जो भी ट्रीटमेंट्स बताए हैं, ये ट्रीटमेंट्स मेल्स फीमेल्स में डिफरेंट डिफरेंट होती है या करीब करीब? ट्रीटमेंट देखो, फीमेल में एक चीज़ है, उनमें थायराइड भी देखना पड़ता है. अगर थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है या फिर उनका मेंसेस में प्रॉब्लम है जी, ये सारी चीज़ें, उनमें कैल्शियम की कमी है जी, तो ये एडिशनल चीज़ें फीमेल्स के बारे में देखनी होती. ओके. ये देख के भी क्योंकि दे आर हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों ही कॉज है हेयर लॉस के फीमेल में. डिलीवर हुई है, लैक्टेटिंग मदर है, प्रेगनेंसी हुई है, उसके बाद का जो सिनेरियो है, वर्किंग वुमेन है, स्ट्रेसफुल है, सारी चीज़ें देखनी. वुमेन आर मोर स्ट्रेसफुल देन, उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होता है अगर वो वर्किंग है तो एज कम्पेयर टू मेन. तो वो भी फैक्टर्स देख के आपको ऐसे असेसमेंट करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है. सर ये प्रॉब्लम बच्चों में भी होती है क्या सर? या बहुत अभी तो एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि अर्ली एज में भी बच्चों के बाल पकना झड़ना शुरू हो गए. जी हाँ जी हाँ हाँ. इसलिए आंवला, आपको आंवला रसायन, आंवला जूस या आंवले से रिलेटेड जो भी मेडिकेशन है. अच्छा. वो आपको या आंवला का फल ही खिलाओ, ये बच्चों को खिलाते रहना चाहिए. क्योंकि आजकल जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें फॉस्फेट सल्फेट यूरिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर्स का मिलता है. जंक फूड फास्ट फूड खाने की और ज़्यादा है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. नमक ज़्यादा खाओ, स्पाइसी खाओ, ऑयली खाओ, ये मैंने अभी आपको कॉज बताया. जी, जी, जी. वो सारी चीज़ें हेयर लॉस के लिए कारणीभूत है. जिसकी भी बोनी इम्यूनिटी आयुर्वेद के हिसाब से धातु बल अच्छा है तो उसके बाल बने रहेंगे. लेकिन ये सारी चीजें तो हम सब खा रहे हैं, सबके बाल नहीं झड़ते. जी जी. जिनके बाल ऑलरेडी स्ट्रांग है उनके नहीं झड़ते, लेकिन जिनके नहीं है या जिनमें ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं उनके झड़ना शुरू हो जाते हैं. इसलिए प्रिवेंशन के तौर पे आपको आंवला जैसी चीज़ें, भृंगराज जिसको माका बोलते हैं उसकी जैसी चीज़ें या त्रिफला जैसी चीज़ें अलग अलग फॉर्म्स में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बच्चों को देनी चाहिए. तो सर मतलब बच्चों को हेयर लॉस हम अगर पहले से प्रिवेंट कर लें, हम यूँ मान लेते हैं कि भाई बच्चों को पहले से अगर कुछ देना चाहिए, हम मतलब नहीं भी हेयर लॉस है तो भी बच्चों को आंवला वगैरह आप कॉमनली दे सकते हैं. आंवला का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं जी. आंवला खुद ही दे सकते हैं. अच्छा. आंवले के चूर्ण आते हैं, आंवले का पाउडर आता है जी जी जी. आंवले का जूस आता है. अच्छा. उसके अलावा भृंगराज आता है, टैबलेट्स आती है उसकी, आजकल टैबलेट बनती है जी. हाँ. बहुत सारे सिरप्स भी बनते हैं जी, जिससे कि बच्चों को इजीली दिया जा सकता है. एकदम अर्ली एज के बच्चों को देने की जरूरत नहीं. बच्चा जैसे एडोलेसेंट या फिर ग्रोइंग एज में आ जाते हैं ना, या फीमेल्स जैसे पीरियड्स उनके शुरू हो जाते हैं जी, उस एज में आ जाते हैं, किशोर अवस्था में आ जाते हैं, तब से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. उससे अर्ली एज में हेयर लॉस बहुत रेयर देखा जाएगा, अगर है तो फिर उसके अलग कॉजेस होते हैं, पेडियाट्रिशियंस उनके साथ डील कर लेते हैं. सर एक हेयर लॉस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है वो है गंजापन. एक तो मेरे हिसाब से जो गंजापन है, एक तो हेरिडिटरी जो आपने बताया, तो सर जो हेरिडिटरी है तो ये तो जनरली देखा जाता है कि भाई जैसे कोई है हमारे और उनके जैसे उनके पिताजी के सिर के जो मेल्स के होते हैं जेंट्स के पीछे पीछे के बाल नहीं है, तो उनके सारे लड़कों के बैक साइड के बाल नहीं रहते हैं. और ये वाकई देखा जाता है. और सर वो अब मुझे नहीं पता वो लोग कुछ करते होंगे, लेकिन आते तो नहीं है उनके बाल. जेनेटिक कॉज में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट वो जेनेटिक कॉज में एक ही काम कर सकते हैं कि वो डिले कर सकते हैं कि उनका बाल झड़े या फिर उनको बाल्डनेस डेवलप हो, इस चीज़ को आप डिले कर सकते हैं. इसको डिले डिले कर सकते हैं, यानी जितना समय तक आप अपने बाल बनाए रखें यंग एज में, स्पेशली 50-55 तक अगर उसको खींच सकते हैं तो बेटर है.
बहुत ज्यादा जेनेटिक कॉज में कुछ किया नहीं जा सकता, बट आप प्रिवेंटिव करके ये मेडिसिन ले सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं जिससे स्पैन बढ़ जाएगा और हेयर लॉस डिले हो जाएगा। तो जो भी चीज जेनेटिक कॉज से हो रही है उसको हम पूरी तरह से रोक नहीं सकते, डिले कर सकते हैं। राइट सर। और तो सर अगर ये डिले हमने बचपन से शुरू किया, जैसे जब पता है कि भाई जैसे होता है ना सब लोग बताते हैं फैमिली में ऐसा है, तो अगर बचपन से शुरू किया तो अच्छा रहेगा। जैसे कि बालों की केयर करना उसको हम बोलते हैं। अच्छा, पहले के जमाने में आप देखते होंगे कि ऑयल लगाते थे बालों में, बालों को वॉश करते थे। शिका कैसे वॉश करते थे, डाइट अच्छा होता था, आंवला खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, लोग हेल्दी डाइट लेते थे, स्ट्रेस कम था जी। तो वो चीजें थोड़ी इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, बालों की केयर खास लेनी पड़ेगी। और स्पेशली वाटर, अगर वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर वगैरह है उस टाइप का वाटर अगर यूज़ होता है, कई बार देखिए आप कुछ एरिया में जाने के बाद हेयर लॉस शुरू हो जाता है। इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर चांसेस है हेयर लॉस के जेनेटिक कॉज है उसमें, तो आपको बच्चों के या फिर अर्ली एज में हेयर की खास आपको केयर करनी पड़ेगी। स्ट्रेस इत्यादि अभी हमने जितने भी कॉजेस डिस्कस किए उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा, और उनकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहे इसके लिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। अगर वो गंजापन हो जाता है अर्ली एज में, गंजापन कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशन कुछ लोगों में वापस हेयर रिग्रो होते हुए हमने देखा हुआ है। अच्छा। और सर जहाँ जेनेटिक कॉज नहीं है पर अगर गंजापन है, तो मतलब जैसे फैमिली में नहीं पता कि कोई जेनेटिक कॉज है, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन गंजापन तो है, तो सर उसके लिए कुछ, अगर गंजापन एक बार हो गया है और उसके हेयर रूट अगर सही सलामत है, डैमेज नहीं हुए हैं, तो कुछ हो सकता है। ऐसी केसेस में कई बार रिजल्ट मिलते हैं, कई बार रिजल्ट नहीं मिलते। अच्छा। तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, ट्रीटमेंट हो सकता है उसका, देखा जा सकता है। मतलब एक ट्रायल तो लिया जा सकता है। डेफिनेटली लिया जा सकता है, लेकिन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, कि वो प्रिवेंट करे जिन लोगों का नहीं हुआ, जिन लोगों का हो गया वो कोशिश कर सकते हैं। राइट सर। सो ये जेनेटिक कॉजेज मेल्स में ज्यादा होती है ना फीमेल्स से? फीमेल्स में कैसा होता है, जेनेटिक कॉज ज्यादा रोल प्ले नहीं करता, क्योंकि उसमें दो जीन लगते हैं, मेल्स में एक ही जीन काफी होता है। वो जेनेटिक साइटोजेनेटिक्स वाली चीज है। okay, तो फीमेल में फिर भी आप कुछ फीमेल में तो बाल्डनेस का जीन थोड़ा सा कम दिखता है, मेल्स में जरा ज़्यादा दिखता है वो जी। तो और एंड्रोजेनस हेयर लॉस मेल में ज़्यादा पाया जाता है, कुछ फीमेल में होता है, लेकिन उनका एकदम बाल्डनेस वाली जो कंडीशन है फीमेल में थोड़ी सी कम दिखती है, बट फिर भी आपको केसेस मिलते हैं जी। सर फीमेल्स मोस्टली आप देखते हैं कि हेयर केयर ज़्यादा होती है उसमें, मतलब डेली या मतलब शैम्पू है, कंडीशनर है, जो आप रेगुलर वाला जो आता है वो लगाते हैं, और उसके अलावा हेयर केयर भी होते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग और बाकी ट्रीटमेंट जो एक ब्यूटी पार्लर के हिसाब से किया जाता है। तो सर उसमें आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे, क्योंकि कुछ कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अब आज के दुनिया में देखा जाए तो थोड़ा बहुत करना पड़ता ही है। तो इसमें आप हमारी सहेलियों को कुछ एडवाइस करना चाहेंगे सर? वो अगर उनकी हेयर की ग्रोथ अच्छी है जी, ठीक है, हमने हेयर लॉस के जितने कॉजेस देखे वो, बाद में हेयर के लिए जो डाइट बताया वो, अच्छा, अगर वो अच्छे से लेते हैं तो उनको हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं होगा, जो चाहे बालों के साथ कर ले, क्योंकि ब्यूटिशियंस भी जो जहाँ पे आप ये ब्यूटी पार्लर्स में कराते हैं वो भी उस बात की केयर लेती है जी। बट किसी को सूट नहीं हो रहा कोई केमिकल तो नहीं यूज़ करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल हेयर ग्रोथ अगर अच्छी है, इंटरनली आप ये सारी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें यानी फैक्टर्स दैट कॉजेज हेयर लॉस शुड बी अवॉइडेड, डाइट दैट कॉजेज हेयर लॉस शुड बी अवॉइडेड, स्ट्रेस एंड एटसेट्रा जो हमने डिस्कस किया वो हेयर लॉस के लिए अवॉइड करो, आपके हेयर अच्छे रहेंगे, लॉन्ग लाइफ अच्छे रहेंगे। और ये सारी चीज़ें करेंगे तो ब्यूटिशियन फिर आप कोई भी ब्यूटी ट्रिक अपना लें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर एक कोई खास टिप होगी आपके पास जो, मतलब मैं अगेन ब्यूटी पर ही आ रही हूँ कि मतलब जो नहीं करना चाहिए, जो मतलब करते हैं लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए, अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ हो? अच्छा, जो स्पेशली नहीं करना चाहिए ब्यूटी पार्लर्स में या वैसे भी, मतलब जो भी ट्रिक आप यूज करते हैं, अगर वो बालों को आपके सूट नहीं होती है तो हेयर लॉस या फिर हेयर का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अच्छा ओके, तो आपके खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये चीज सूट नहीं हो रही, डाइज हो गया जी, हाँ जी, हाँ जी, केमिकल्स हो गया, केमिकल शैम्पूज हो गया जी, हाँ। स्ट्रेटनिंग में भी ठीक, स्ट्रेटनिंग में करते क्या है, सीधा ही करते हैं। रूट्स को डैमेज हो ऐसी कोई चीज ना करे, ठीक है, ब्यूटिशियन उसका ध्यान रखती है। अच्छा, अगर नहीं हो रहा है, नहीं रख रहे तो खास उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, सो दैट रूट डैमेज ना हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर आपने हमें ये जो हेयर लॉस है, वाकई ये इतनी बड़ी समस्या है जो सभी के पास है और सब
ये नहीं लगता है कोई बीमारी है, लेकिन हाँ ये समस्या तो है और बहुत बार परेशानी भी होती है इससे। तो आपने हमको इतनी ज़्यादा इस बारे में जानकारी दी सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। और मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत टिप्स भी मिले होंगे इससे। आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। नमस्कार। 77 वर्षों से आयुर्वेद की सेवा में अग्रसर शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयों तथा सभी प्रकार की काश औषधियाँ, दिव्य वनौषधि, जड़ी बूटियाँ तथा अनेक पाउडर मिलने का विश्वस्तरीय स्थान। हमारे यहाँ श्री बालाजी तांबे, श्री स्वागत जी तोड़कर, धनंतवरी फार्मेसी, दूत पापेश्वर, बैद्यनाथ सांडू, व्यास पुंजा, रसशाला पुणे, डाबर चिरायु, मधु डायबिटीज, चूर्ण, हिना पैक, शिकाकाई मसाला, फेस पैक आदि सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारा पता शिवशंकर आयुर्वेदिक डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेंपल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर